हेलो एवरीवन फर्स्ट ऑफ़ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में सो so, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो लेट्स गल स्टार्टड ट्वेंटी एट ऑफ फेबररी है आज ट्वेंटी एट ऑफ फेबररी की बात करें तो एक नोटिफिकेशन जहाँ पे आया है तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले ट्वेंटी एट से पहले हम ट्वेंटी फोर्थ फेबररी की बात करेंगे तो चौबीस फेबर दो हज़ार तेईस का एक नोटिफिकेशन आया था इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ जहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेस की बात की गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई थी जो भी कैंडिडेट कंसिड्रेशन जोन में फॉल करते हैं पोस्ट की बात करें तो जो पोस्ट थी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सब मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और ये यू टी डिवीजनल कैडर जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज थी और आई नंबर 86 से लेके जहाँ पे 94 तक जिसकी वैकेंसीज को एडवर्टाइज़ किया गया था और नोटिफिकेशन की बात करें तो फोर ऑफ ट्वेंटी की ये नोटिफिकेशन थी अब जहाँ पे देख मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारी की सारी वैकेंसीज जो थी जहाँ पे आप क्लियरली मैंशन है आ, सारी की सारी बताई गई थी कि जेके एस जो है जहाँ पे इक्शर ए मेन पोस्ट के बारे में जहाँ पे बताया गया है जहाँ पे बताया गया था कि आप जितने भी कैंडिडेट जो है कंसिड्रेशन जोड़ में फॉल करते हैं आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ेगी और जो लिंक है जो एक्टिवेट हो जाएगा ट्वेंटी एटथ को दो हज़ार तेईस ठीक है और ट्वेंटी एट्थ फेबररी से लेकर सेकंड मार्च तक जो लिंक एक्टिवेट रहेगा वहाँ से आप अपने ऑनलाइन जो है प्रेफ्रेंसिस को फिल कर सकते हैं इसके बाद जहाँ पे जेके एस की तरफ से नीचे एक और पैराग्राफ दिया गया है जहाँ पे बताया गया उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड मार्च से थर्ड मार्च से जहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और टाइम रहेगा आपका इलेवन एम से लेके फाइव पी एम जे जहाँ जहाँ पर जितने भी जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनका जो वैन्यू रहेगा वो हिमा कम्प्लेक्स सेक्टर थ्री शनी हिम्मत जम्मू और कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट के लिए रहेगा जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर तो ये सारी की सारी क्लियरली जहाँ पे मेंशन किया गया था जितने भी कैंडिडेट जो हैं इन पोस्ट की कंसिड्रेशन जो मैं फाल करते हैं आपकी पहले ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फिल होगी फिर आपके थर्ड मार्च से आप इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जे एस एस बी ऑफिस जाएंगे अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अब हम आगे हैं जेके एस की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जहाँ पे आप इसको लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जेके एस एस पे तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे तो जहाँ पे आपको सॉरी जहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा इस लिंक की बात करें तो जहाँ पे बात की गई है प्रेफरेंस लिंक फॉर दी पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ये आपकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी जिसको एडवर्टाइज़ किया गया था नोटिफिकेशन नंबर फोर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी के रिलेटेड तो इसके साथ साथ जहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसको लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहाँ मैं इंटरफेस आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा ये देख सकते हैं जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा इस इंटरफेस के बाद जहाँ पे ये ऑप्शन आपके लिए आएगा सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा अपना रोल नंबर एंटर यूर रोल नंबर एज पर एडमिट कार्ड जो आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ जो आपको एंटर करनी है एंटर योर डेट ऑफ़ बर्थ इन पहले आपको डे फिर मंथ फिर ईयर तो इस तरीके से जहां से जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन प्रेफ्रेंसेज आप जो भी आपको जो सही लगता है तो उसमें आप प्रेफ्रेंसेज फिल कीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आप कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां पे दे दिया गया होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको पहले फिल करना है उसके बाद तो इस तरीके से आप ऑनलाइन प्रेफरेंसिस को फिलअप कर सकते हैं तो सारा का सारा मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं तो वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा तो तीन मार्च को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल प्लस आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है होना चाहिए जो आपने उस टाइम फिल किया था तो ये आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है जे एस ए के ऑफिशियल वेबसाइट पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को थैंक यू फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर